हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मां संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री को कौन कौन से सर्वोच्च पुरस्कार दिए गए हैं 2016 से 2020 के बीच में दिए गए हैं। यहां से भी सर्वोच्च पुरस्कार जो हैं, पुरस्कारों से संबंधित जो स्टैटिक जीके का टॉपिक है, जो यूपी ट्रिपल एससी का पैट एग्जाम है, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको रोजाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। तो ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजील अल सऊद पुरस्कार ये 2016 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? सऊदी अरब के द्वारा दिया गया था। किसे दिया गया था? तो दिया गया था मोदी जी को दिया गया था। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार ये किस द्वारा दिया गया था? अफ़गानिस्तान के द्वारा दिया गया था। किसे? मोदी जी को। सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दिया गया था मोदी जी को साउथ कोरिया के द्वारा। किसके द्वारा? साउथ कोरिया के द्वारा दिया गया था। आगे बात कर लेते हैं, ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में दिया गया था फिलिस्तीन के द्वारा दिया गया। और चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था कब? 2018 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया था। आगे बात कर लेते हैं, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 में दिया गया था, तो बिल एंड मेलिंडा ग्रेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 में बहरीन देश के द्वारा दिया गया था। ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 2019 का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा मोदी जी को दिया गया था। और सेंट्रल एड यूज द अपास्टल अवार्ड 2019 दिया गया था, ये रसिया के द्वारा दिया गया था, रसिया के द्वारा। और दिया गया है फिलिप कोटलर अवार्ड किसके द्वारा? तो कलाग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया। और रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 में दिया गया था मालदीव के द्वारा, मोदी जी को दिया गया था। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 का जो पुरस्कार दिया गया था, तो अमेरिका के द्वारा दिया गया था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।